दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किए गए विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम के आलोक में होने वाले सक्षमता परीक्षा के पाठ्यक्रम को और संपूर्ण मार्गदर्शिका को समझेंगे। साथ ही साथ हम आपको रियल और फेक गाइडलाइन में अंतर समझाएंगे। जारी यह पाठ्यक्रम कितना सच है इसकी सच्चाई हम आपको बतलाएंगे। दोस्तों यह बात स्पष्ट है कि सक्षमता परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा किया जा रहा है। अभी हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और सबसे ऊपर में आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा। जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो इम्पोर्टेंट लिंक भी देखने को मिलता है। यहाँ पर जो लेटेस्ट लिंक है वो सबसे ऊपर नजर आते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कई परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जैसे DLED एग्जाम हो गया, सेकेंडरी एग्जाम हो गया, हायर सेकेंडरी एग्जाम हो गया, DPED एग्जाम हो गया, सिमतलुल्ला आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो गई, इसके अलावा स्टेट एग्जाम हो गया, यानी बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी में एक और परीक्षा सक्षमता परीक्षा भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लेना है। सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक भी इसी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे यह सक्षमता से रिलेटेड कोई लेटर नहीं है। फिर भी एक लेटर मैं आपको दिखाऊंगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया है। अभ्यर्थियों के मन में यह शंका है कि यह लेटर कितना सच है कितना फेक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेटर समय से पहले वायरल हो जाता है और आधिकारिक वेबसाइट पर आने में समय लगते हैं, लेकिन लेटर को देखकर हम आपको बतला रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको सक्षमता परीक्षा के गाइडलाइन और पाठ्यक्रम को समझाना है। सक्षमता परीक्षा को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन बने हुए हैं कि परीक्षा का आयोजन किस तरह किया जाएगा, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से विषय सम्मिलित होंगे, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। आपके अधिकांश कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएंगे। इस मार्गदर्शिका में लिखा हुआ है सक्षमता परीक्षा के बारे में कि यह परीक्षा बहुविकल्पीय MCQ होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये परीक्षा BPSC TRE के पैरेलल दिया जा रहा है, इसलिए इसका पाठ्यक्रम जो है प्रश्नों की संरचना जो है ये BPSC से मिलता जुलता रहेगा। परीक्षा के जो विषय होंगे वो प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उसके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय इंक्लूड रहेंगे। आप अपनी कक्षा में बच्चों को जो जो किताब पढ़ाते हैं उन्हीं किताबों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन प्रश्न का स्तर कक्षा कक्ष की होने वाली वार्षिक परीक्षा के जैसा नहीं बल्कि हाई लेवल का होगा, दक्षता से ऊपर और BPSC TRE से नीचे। जहाँ तक बात करें पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम में लिखा गया है कि TRE 1 TRE 2 जो BPSC द्वारा आयोजित परीक्षा का पाठ्यक्रम था वही रहेगा। और प्रश्न पत्र पैटर्न की बात करें तो इस सक्षमता परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, सबके सब वस्तुनिष्ठ होंगे। इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हों या पुस्तकालय अध्यक्ष हों। इसके अलावा शारीरिक शिक्षकों की भी सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा शुल्क की बात करेंगे तो 1100 रुपया जो है सभी कोटि के शिक्षकों के लिए है। परीक्षा अवधि की बात करें तो ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी। पासिंग मार्क्स की बात करें तो सामान्य कैटेगरी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36, अति पिछड़ा के लिए 34%, महिला के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32%। परीक्षा पास करने के बाद आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिस पर परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटराइज्ड सिग्नेचर होगा। इस परीक्षा के लिए कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को विज्ञापन आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आपको 1 फरवरी से 15 फरवरी तक करने हैं। आप अपना एडमिट कार्ड 5 फरवरी से 16 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे उस पर
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत फिर से अपलोड करना है। इसे आप 16 फरवरी तक अपलोड करेंगे। 26 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024 तक आपकी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा का फॉर्म जो है विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल से ऑनलाइन भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता पति का नाम, जन्म तिथि, योगदान की तिथि सही से भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत ही सबमिट करेंगे। इसके अलावा आपको जो है फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक, इंटर का प्रमाण पत्र, टेट सीटेट, स्टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र अपलोड करना है। आपके फॉर्म को जो है DPO स्थापना द्वारा भी वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही आप सबमिट कर पाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा लेने वाली एजेंसी दो मशीन 2 महीने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को देगी, ताकि शिक्षक अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन, आईडी रिकॉग्निशन की पुतली का सत्यापन किया जाए। एडमिट कार्ड में QR कोड एवं बार कोड अंकित होगा। एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र पर वीक्षक का हस्ताक्षर एवं मोहर लगेगा। एग्जाम के बाद भी आपके थंब इम्प्रेशन, आईडी रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देना है, ऑनलाइन से संबंधित प्रैक्टिस नजदीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला प्रशिक्षण संस्थान में कराया जाएगा। दोस्तों, ये जो लेटर है इस पर कोई विभागीय सिग्नेचर मोहर नहीं है, इसलिए यह शक के दायरे में है। कहां कहां शक है मैं आपको दिखलाता हूं। जहां तक बात रही पाठ्यक्रम की, ये पाठ्यक्रम ठीक ठाक लिखा हुआ है, लगभग ऐसा ही होगा। और मैं जो तैयारी भी करा रहा हूं, इसी वे में करा रहा हूं BPSC टीचर के पैनल, क्योंकि जो विभागीय परीक्षा हुआ था इससे पहले दक्षता परीक्षा, वो टेट सीटेट के पैनल था, उसका सिलेबस टेट सीटेट से मिलता जुलता था। इसीलिए उम्मीद है कि जो भी आधिकारिक सिलेबस होगा वो BPSC TRE और सक्षमता परीक्षा का एक दूसरे के पैनल होगा। हाँ, क्वेश्चन का लेवल अप डाउन हो सकता है। BPSC TRE जितना हार्ड क्वेश्चन सक्षमता में नहीं पूछेगा, काफी लो क्वेश्चन रहेगा, उसके मुकाबले फिर भी दक्षता से टफ रहेगा। आपके हम विषय की बात करें तो इसमें सभी विषय इंक्लूड हैं। GK GS एक बड़ा सब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। इसलिए सक्षमता परीक्षा के लिए आप GK GS, मैथ, रीजनिंग, EVS, साइंस, सोशल साइंस सभी विषयों का अध्ययन करें। हमने कंप्लीट नोट्स तैयार किया है, आप इसे PDF प्रिंटेड प्राप्त करके कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। दोस्तों, शक के दायरे में ये भी है परीक्षा शुल्क। विभागीय परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं होता है, दक्षता परीक्षा में भी कोई शुल्क नहीं था, उम्मीद है कि सक्षमता परीक्षा में भी कोई शुल्क नहीं होगा। ये परीक्षा CBT बेस्ड ली जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड इसकी भी संभावना काफी कम है, क्योंकि ओल्ड एज के लोगों को काफी दिक्कत होगा कंप्यूटर में परीक्षा देने में। उन्हें माउस पकड़ने का प्रैक्टिस नहीं है, वो कर्सर से किस तरह क्लिक करेंगे उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। और जहां तक बात रही प्रैक्टिस की, सरकारी स्तर पर इसकी कोई सुविधा नहीं होती है, होती भी है तो नाम मात्र की होती है, खुद से भी प्रैक्टिस करने का अवसर नहीं मिल पाता है सभी लोगों को। जहां तक बात है एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर की, ये भी एक फेक अपडेट दिख रहा है, क्योंकि एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर करने का कोई तुक नहीं होता है। जो भी वेरिफिकेशन होता है वो फॉर्म भरने से, सबमिट करने से पहले होता है। एडमिट कार्ड उस समय जारी किया जाता है जब पूरी तरह से फॉर्म स्वीकार कर लिया जाए। खैर, इसकी सच्चाई से हम आपको बहुत जल्द अवगत कराएंगे, क्योंकि हम लगातार BSEB के आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन कर रहे हैं। जो भी सूचना आएगा आपको इसी आधिकारिक वेबसाइट पर आएगा, और इसी आधिकारिक वेबसाइट से ही आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। फिर भी आपके मन में शंका होगा, डाउट होगा कि BPSC TRE में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, आइए हम उसका भी अवलोकन करते हैं। BPSC TRE जो हुआ था, इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, और सभी प्रश्न एक एक अंक के थे, यानी 150 क्वेश्चन 150 नंबर के थे, और 2 घंटा 30 मिनट 150 मिनट समय दिया गया था। दक्षता में भी सक्षमता में भी ठीक ऐसा ही होगा, आपको एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का समय मिलेगा। एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का मतलब नहीं कि दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन के लिए सेपरेट सेपरेट एक एक मिनट मिलता है, बल्कि 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, 150 अंक। इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे
वो 150 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें भाषा के 30 क्वेश्चन थे। उर्दू टीचर है तो आपको उर्दू से 30 क्वेश्चन, हिंदी टीचर है तो हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा भाषा में जो दूसरा पार्ट था, एक इंग्लिश था, एक उर्दू या हिंदी था। यानी ये जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 8 नंबर इंग्लिश से और 22 नंबर उर्दू से या हिंदी से पूछे जाएंगे, ये आपका हो गया 30 नंबर। हम बात करते हैं अगले की, यानी 120 नंबर की। इसमें समान अध्ययन के क्वेश्चन पूछे गए थे जिसे GKGS कहते हैं। GKGS में 8 सब्जेक्ट होते हैं, इन्हीं 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। वो 8 सब्जेक्ट था मैथ, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिकी यानी करेंट अफेयर, बिहार GK, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, इन सब विषय से प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा 6 to 8, 9th, 10th और +2 शिक्षकों के लिए 80 क्वेश्चन पार्टिकुलर भाषा से पूछे गए थे, सब्जेक्ट से। आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उस सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन। जब 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होगा तो GS ऑटोमेटिक 40 नंबर का हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी में 120 क्वेश्चन टोटल के टोटल GS से थे, क्योंकि प्राइमरी में सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, क्योंकि प्राइमरी में सब्जेक्ट वाइज शिक्षक की बहाली नहीं होती है, सामान्य शिक्षक की होती है, उर्दू की होती है, बंगला की होती है। ये था BPSC का सिलेबस, और सक्षमता का सिलेबस ठीक ऐसा ही रहेगा। अब BPSC के पैरेलल भी प्रिपरेशन करके सक्षमता परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई सूचना पूर्णतः ऑथेंटिक होती है, समय समय पर हम सही जानकारी आपको देते रहते हैं, साथ ही साथ हम बेहतर तैयारी भी कराते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। इसलिए आप हमारे नोट्स को प्राप्त करके कम समय में बेहतर तैयारी करें। आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं, आप अपने सब्जेक्ट का विशेष नोट्स हमसे जरूर प्राप्त करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक, या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे PDF नोट्स आपके WhatsApp पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, WhatsApp भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं।